पलवल में आज सेक्टर 2 के हुड्डा ग्राउंड में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पलवल मानेसर खंड का उद्घाटन किया जाएगा। ये उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे और उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों समेत तमाम बीजेपी नेता शामिल होंगे। कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे के पलवल मानेसर खंड की लंबाई 53 किलोमीटर है। पहले चरण में एक हिस्से के निर्माण में 457.81 करोड़ रुपए की लागत आई है और 6 लेन के इस हिस्से को 11 महीने में पूरा कर लिया गया। वहीं 136 किलोमीटर लंबाई के केएमपी एक्सप्रेस वे के बचे हुए कुंडली मानेसर हिस्से का निर्माण दूसरे चरण में यानी कि 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जो फैसले लिए थे वो राजनीति से प्रेरित थे। मुख्यमंत्री सोमवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर पिछड़ा वर्ग की बीसीसी कैटेगरी की 6 जातियों के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इन सभी जातियों के लोग विधानसभा में आरक्षण से जुड़े बिल पास करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। इस मौके पर सभी जातियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मान सूचक पगड़ी भेंट की। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों प्रदेश में हुए घटनाक्रम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके परिवारों को मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान समाज में जो अविश्वास और आपसी दूरी बढ़ी है अब सबको मिलकर इसे पाटना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने भी सद्भावना सप्ताह मनाया था और रविवार को रोहतक में भी प्रबुद्ध लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित करके भाईचारे का संदेश दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि इस सप्ताह को केंद्र सरकार वाटर सप्ताह के तौर पर मना रही है। इस दौरान देश भर के पानी के मुद्दों पर बात हो रही है और हरियाणा की दिक्कत भी पानी ही है। कृषि मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि वो पानी पर राजनीति कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में फसलों के लिए भी पानी की परेशानी आ रही है और अब नहर टूटने पर फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके अलावा एसवाईएल को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब में एसवाईएल को लेकर राजनीति हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। साथ ही एसवाईएल पर पंजाब के कदम को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एसवाईएल मुद्दे को लेकर अंबाला के इस्माइलपुर गांव में कांग्रेस ने रैली कर पंजाब सरकार पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस की इस रैली में राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा, पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी, पूर्व संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर ने हिस्सा लिया। पंजाब बॉर्डर पर एसवाईएल के किनारे हुई रैली में कुमारी शैलजा ने कहा कि पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया है वो लोगों के हित में नहीं है, ये महज चुनावी स्टंट है क्योंकि पंजाब में अकालियों से लोग अब ऊब चुके हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि अकाली बीजेपी सरकार की नाकामी नहीं बल्कि सोची समझी चाल है क्योंकि हरियाणा, पंजाब और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वहीं कुमारी शैलजा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है वहां ऐसा नहीं किया जा रहा, बल्कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ऐसा कर रहे हैं और अब हिमाचल में ये ड्रामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के मिशन एसवाईएल रैली को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि एसवाईएल का सत्यानाश कांग्रेस ने किया है और अब वो अपने ही कर्मों पर रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को रोने देना चाहिए क्योंकि रोने पर कोई टैक्स नहीं लगता। हरियाणा सरकार के नए आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया खारिज। हाईकोर्ट ने कहा अभी विधेयक को राज्यपाल की नहीं मिली है मंजूरी। जाट आरक्षण और कथित मुरथल रेप मामले में हरियाणा सरकार और पुलिस को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से फटकार पड़ी। प्रदेश सरकार और पुलिस कोर्ट के सवालों के संतोषजनक जवाब न दे पाए। जाट आंदोलन के दौरान न्यायिक अफसरों की सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे पर कोर्ट ने 7 जिलों रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, हिसार, भिवानी और कैथल के सेशन जजों से तब के हालातों पर रिपोर्ट मांगी थी। हाईकोर्ट ने झज्जर की डीसी अनीता यादव को भी रिपोर्ट देने के निर्देश देते हुए अगली तारीख में पेश रहने को कहा है।
कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को नसीहत दी कि अगर पुलिस से पीड़ित नहीं ढूंढे जाते तो कोर्ट खुद ढूंढ निकालेगी। वहीं एमएक्स क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस बार बार कोई पीड़ित और कोई गवाह ना होने की बात कह रही है, लेकिन उनके पास एक पीड़ित की मां की ऑडियो क्लिप है जिसमें वो बता रही है उस रात रेप हुआ और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में चलाना चाहते हैं। पंचकुला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कॉलोनी और गांव में खुले शराब के ठेकों को लेकर डीसी से मिले और एक ज्ञापन देकर शराब के ठेकों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर करने की मांग की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आबादी के पास ठेका होने से न केवल बच्चों और युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि महिलाओं को भी दिक्कतें पेश आ रही है। कैथल के जगदीशपुरा गांव में सोमवार का दिन खुशियों से भरा रहा। गांव के दो बेटे 14 महीने बाद घर वापस लौटे। अरुण और सर्वजीत सीरिया में खराब हालातों के शिकार हो गए, जिसके बाद दोनों के परिजनों ने भारत सरकार से इनकी वतन वापसी की गुहार लगाई और सोमवार को चार युवक अपने घर वापस लौट आए। बेटा घर लौटा तो परिजनों की आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गई। पीड़ित परिवारों ने भारत सरकार से बेटों को वापस लाने की गुहार लगाई तो जनवरी में सीरिया के उप प्रधानमंत्री के भारत दौरे के चलते विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद दोनों की वतन वापसी मुमकिन हो पाई और 14 महीने तक जेल में रहने के बाद अरुण और सरबजीत सोमवार को घर वापस लौट आए। उनके साथ कुरुक्षेत्र जिला के पिहोवा के दो और युवक भी वापस लौटे हैं। पलवल में एक युवक ने जल्द अमीर बनने के लालच में 25 लाख रुपए गवा दिए। युवक का आरोप है कि उससे कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसे लेकर पलवल की कैंप थाना पुलिस ने केबीसी के मैनेजर और अमिताभ बच्चन के पीए समेत दूसरे लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट का मामला दर्ज किया है। शिकायत पलवल निवासी प्रकाश ने दी है, जिसकी जाँच पुलिस ने शुरू कर दी है। इस दौरान खुद को अभिनेता अमिताभ बच्चन का पीए कहने वाले राणा प्रताप सिंह और विजय कुमार का फोन आता था, लेकिन जब प्रकाश के पास एक भी पैसा नहीं आया तो उन्होंने इसकी शिकायत रेवाड़ी रेंज की आईजी ममता सिंह से की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में अभिनेता अमिताभ बच्चन के पीए राणा प्रताप सिंह और केबीसी के मैनेजर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। सिरसा में महिला थाना में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी को किसी अज्ञात शख्स ने अश्लील मैसेज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मैसेज भेजने वाले के पास वापस फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। बाद में पीड़ित महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। महिला पुलिस नंबर को ट्रेस करने में जुटी है। फिलहाल शिकायत तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई है। नंबर के मालिक का पता चलने पर आगे की पूछताछ की जाएगी। पलवल के सेक्टर 3 में पुलिस के सीआईए स्टाफ पर आरोप लगा है कि उन्होंने 29 मार्च को गैरकानूनी तरीके से एक नाबालिग को हिरासत में लेकर लॉकअप में टॉर्चर किया, जिसकी शिकायत लेकर परिजन 31 मार्च को हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने वारंट अफसर नियुक्त किया, जिसने शिकायतकर्ता को साथ लेकर सीआईए स्टाफ पलवल में रेड की, जहां नाबालिग को बाथरूम में बांध कर छिपाया गया। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई और डीएसपी ने बयान दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जांच अधिकारी एएसआई और मुंशी को सस्पेंड किया जा चुका है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार, पुलिस प्रमुख एसपी पलवल और एसएचओ सीआईए स्टाफ को नोटिस देकर 17 मई को तलब किया है। हरियाणा में कर्मचारियों का गुस्सा प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है। निजीकरण के खिलाफ देश भर में सर्व कर्मचारी संघ ने जिला स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया और आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सरकारी विभागों का निजीकरण करने में लगी हुई है, जिसका सर्व कर्मचारी संघ कड़ा विरोध करता है। सर्व कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मान ने बताया कि सरकार निजीकरण करके कर्मचारियों और जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के पदों पर नई भर्ती के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने नई भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। नई भर्ती पर रोक लगाने की मांग कर रहे कंप्यूटर टीचर्स को हाईकोर्ट में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सरकार की तरफ से कहा गया कि ये रेगुलर स्वीकृत पद है ही नहीं, तो ऐसे में इनकी रेगुलर भर्ती की मांग का कोई औचित्य ही नहीं है।
एनसीआर में करीब 40 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके चोर गिरोह के दो सदस्यों को क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। जेल से निकलने के बाद हाल ही में इन्होंने घरों में सेंधमारी की 6 वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें सभी वारदातों को पुलिस ने सुलझाकर चोरी का काफी सामान बरामद भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पिछली बार जेल से सजा काटने के बाद इन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर 55 और सारण थाना क्षेत्र के 6 घरों में चोरी की। बीस दिन के अंदर ही तेल के नाम पर फिर झटका। आज से पेट्रोल 2 रुपए 19 पैसे और डीजल 98 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल के दामों में हुआ इजाफा।